हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ ये वाला आई मेकअप लुक क्रिएट करूँगी। ये मेकअप आपके साथ फुल मेकअप वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप किसी भी तरीके से कोई पार्टी में जा रहे हैं तो आप इस तरीके से सिंपल तरीके से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख सकते हैं। ऐसा मेकअप अपने आप घर में ही कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर सबसे पहले मेकअप के लिए मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है अपने फेस पर। बाद मैंने यहाँ पर गुड वाइब्स का रोज हिप टोनर अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। तो इससे हमारा जो मेकअप है वो बहुत ही ब्राइट लगता है। तो हल्का सा इसको ड्राई होने देंगे। के बाद यहाँ पर लिया हुआ है ओलिविया का पेन स्टिक लिया हुआ है मैंने। ये 2-in-1 है। इससे कंसीलर भी काम करता है, एज ए फाउंडेशन भी ये काम करता है। तो इसको मैं पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको सारे में हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन को। तो फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम बहुत ही हल्का सा हम यहाँ पर सेटिंग पाउडर से अपने जो बेस को सेट करेंगे। इससे हमारे फेस पर पसीना भी नहीं आएगा और बेस जो हमारा है वो सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आईब्रो को फिल करेंगे। तो एक मैंने यहाँ पर आईब्रो ब्रश से इसको थोड़ा शेप में लाएंगे और इसको फिल कर लूँगी थोड़ा। तो दोनों ही आईब्रोज को इस सेम तरीके से हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन के फ्लेवर्स बॉल से मैं यहाँ पर पिंक कलर पिक कर रही हूँ। यहाँ पर ये ट्रांजिशन कलर है जिसको अपने यहाँ पर क्रीच एरिया पर मैं अप्लाई करूँगी। तो इस साइड भी सेम कलर को हम इस तरीके से अपनी आईज़ पर पिक करेंगे। तो इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। पर सेम ब्रश और सेम पैलेट से मैं यहाँ पर ब्राउन कलर को इसके ऊपर यहाँ पर अप्लाई करूँगी और दोनों को ब्लेंड कर लूँगी। तो दोनों ही कलर को ब्लेंड करने के बाद यहाँ पर अपनी आईलिड्स पर के ऊपर जस्ट ऊपर ही यहाँ पर मैं ब्लैक कलर को अप्लाई करूँगी और फिर इसको पूरी लिड्स पर इसी तरीके से अप्लाई करूँगी। और ये लुक बहुत ही अच्छा लगता है। मैचिंग के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ब्लू कलर को अप्लाई किया है अपनी आईज़ पर। आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास कलर का ड्रेस हो उस कलर को आप यूज़ कर सकते हैं। और आप अपने जो भी आपके पास आई शेडो पैलेट है उसका यूज़ करते हुए ये वाला आई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। और ये गाइस बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और बहुत ही इजी तरीके से आप घर पर ही तैयार होकर बिल्कुल पार्टी वाला लुक ला सकते हैं अपने आप से ही। तो इसको बस मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया है ब्लैक कलर को भी। तो दोनों ही आज पर सेम तरीके से मैं यहाँ पर इसको भी ब्लैक कलर अप्लाई करते हुए और इसको ब्लेंड कर लूँगी। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर का आई शेडो पाउडर से मैंने ब्लैक कलर के आई शेडो पाउडर से मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया है। तो ब्लैक कलर के पाउडर एंड शेडो से इसको सेट कर लेंगे। फिर से यहाँ पर ब्राउन कलर को मैं अप्लाई करूँगी। यहाँ पर ब्लू कलर का जेल आईलाइनर लिया हुआ है तो इसको अप्लाई करेंगे।
तो यहाँ पर इस ब्लू कलर के जेल आईलाइनर को इनर कॉर्नर से आफ्टर कॉर्नर तक हमें अप्लाई करना है। थोड़ा सा यहाँ पर विंग्स तैयार करूँगी मैं इससे, और यहाँ पर मैं डबल विंग्स बना रही हूँ। ब्लू कलर के जेल आईलाइनर को यहाँ पर नीचे भी इस पर अप्लाई करूंगी आईज पर। तो यहाँ पर ब्लैक कलर के काजल से मैं आईज को फिल करूँगी, काजल को अप्लाई कर लेंगे, और इस ब्लू कलर को हल्का सा मैं यहाँ पर अपनी आईज में अप्लाई कर रही हूँ। उसका हल्का सा जो टच है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस आईज़ को रेडी करने के बाद यहाँ कॉन्टोरिंग करेंगे। तो यहाँ पर नोज़ की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर कॉन्टोर स्टिक से यहाँ पर इस तरीके से अपने नोज़ को कॉन्टोर करेंगे। इसको ब्लेंड करेंगे, तो फिंगर की हेल्प से भी कर सकते हैं और आप इसको ब्लेंडर की हेल्प से भी कर सकते हैं, जिससे भी आपको इजी लगे। तो मैं यहाँ पर फिंगर से भी कर लेती हूँ और इसको यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से भी स्मच कर लेती हूँ। तो इससे हमारी जो नोज़ की शेप है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो जाती है। इस तरीके से इसे हल्का सा टैप टैप करते हुए यहाँ पर बस इसको भी हार्श लाइन नहीं दिखनी चाहिए, बस इस तरीके से इसे स्मच करना है। थोड़ा ब्लेंड करेंगे तो कॉन्टोरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ब्लशर लगाएंगे थोड़ा सा स्माइल के साथ। तो ब्रो बोन्स को भी हाईलाइट कर लेंगे। तो एक फ्लैट से ब्रश से मैं इसको यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर को। मैबेलिन का मस्कारा अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मस्कारा है और मेरा फेवरेट है ये। इसका लॉन्ग स्टे रहता है और वाटर प्रूफ है, देख सकते हैं बहुत ही इजी अप्लाई होता है।
तो लिपस्टिक अप्लाई करेंगे आप अपने सन से कोई भी जो आपके पास लिपस्टिक है जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपकी फेवरेट है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरी फेवरेट है तो यहाँ पर मैंने इसकी ली हुई है ब्लू हेवन की लिपस्टिक जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, वाटरप्रूफ है, नॉन ट्रांसफ़र है और अफोर्डेबल प्राइस में है। और लुक देखेंगे आप इसका लगाने के बाद कितना ज़्यादा अच्छा आता है, तो मुझे तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगी है, बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और इस शेड में हल्का सा यहाँ पर अप्लाई करने के बाद गोल्डन शेड भी शाइन होता है जो कि लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ये अप्लाई करने के बाद एकदम से मैट हो जाती है। इसका शेड नंबर है 04, तो आप देखेंगे कि अप्लाई करने के बाद कितनी ज़्यादा अच्छी लगती है ये लिपस्टिक। स्विस ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेकअप सेटिंग स्प्रे है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इसका। तो ये है मेरा पूरा कंप्लीट लुक, तो आप इसे अपनी मैचिंग ड्रेस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो घर में छोटा कोई फंक्शन है या कोई फेस्टिवल है या फिर कहीं आपको जाना हो तो आप अपने आप से इस तरीके से तैयार हो सकते हैं और आपने देखा कितना अच्छा आप अपने आप तैयार हो सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये मेरा लुक पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।